सुनिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 3.9 एनसीईआरटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल पावर। बेसिक बात यह है कि मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और ये भी वोल्टेज की बैटरी से कनेक्टेड है और किसी टाइम डेल्टा टी में इस बैटरी से जो टोटल चार्ज चला है वो क्यू है। लिख दीजिए, लेट द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी लेट द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन अ टाइम डेल्टा टी BQ बैटरी से जो टोटल चार्ज चला है वो है मान लीजिए Q दैट टाइम डेल्टा T में। सो लिख दीजिए एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी का वोल्टेज तो हमेशा कांस्टेंट है तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी is QV, energy supplied by the battery is QV। electrostatics में पढ़ा था हमने voltage का formula था log down per unit charge, W का formula है Q। ये हमें याद है, capacitors में हम energy का formula half QV लेते हैं क्योंकि capacitor में voltage लगातार V पे constant नहीं है, but electrostatics में या उन सभी situations में जहां वोल्टेज लगातार V पे कांस्टेंट है वहां एनर्जी का फॉर्मूला QV लेते हैं। ये चार्ज जब बैटरी से निकला है तो एनर्जी QV लेके निकला है एंड दिस एंटायर एनर्जी इज लॉस्ट इन कोलिशंस इनसाइड दिस रेजिस्टर। लिख दीजिए दिस एंटायर एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, इज लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग कोलिशंस during collisions inside the resistor। अगर सर्किट क्लोज है तो चार्ज क्यू जाता है और चार्ज क्यू आता भी है, तो ये चार्ज क्यू हाई एनर्जी वाला है और ये लुटा पिटा चार्ज है जीरो एनर्जी वाला। चार्ज तो आ रहा है पर उसका कोई एनर्जी बची नहीं, तो सारी एनर्जी यहाँ खर्च करके आ गया, सारी एनर्जी यहाँ खर्च करके आगे। अगर कॉलिशंस नहीं होते तो फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन में जब चार्ज चलता तो पी लूज करता और के ई गेन करता। अब कॉलिशंस के कारण वो के ई गेन नहीं कर पाया, चार्ज तो वापस लौट के आया पर लुटा पिटा लौट के आया, यहाँ से जोश में गया था और यहाँ सारा लड़ाई हुई, टक्करें हुई, कभी किसी से टकराया कभी किसी से टकराया और स्पेंट चार्ज पका हारा जीरो एनर्जी का चार्ज नॉट आया। तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस है उसका फॉर्मूला जानते हैं, तो लिख दीजिए हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टर आर, उस हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टर हम फॉर्मूला दे सकते हैं। जो हीट प्रोड्यूस है फिर वह भी क्यू भी है, जितनी बैटरी से एनर्जी चली वो सारी की सारी रेजिस्टेंस में हीट में कन्वर्ट हो गई। चार्ज जब वापस लौटा तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी तो पूरी की पूरी हीट में कन्वर्ट हो गई। मैं Q को I का फॉर्मूला है Q by delta T, Q को लिख सकता हूँ I T, delta T में delta हटा दिया मैंने, तो हीट का एक फॉर्मूला ये है और हीट का एक फॉर्मूला ये भी है। और एक काम कर सकते हैं हम लोग, B को लिख देते हैं I R, Ohm's law, तो हीट का एक फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी भी हो गया। और बेसिक फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में मैं आई को वी बाय आर भी लिख सकता था, तो ये वी स्क्वायर बाय आर टी हो गया। हीट प्रोड्यूस के ये चार फॉर्मूले हैं।
हीट प्रोड्यूस के विचार फॉर्म में हमारी कैनेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर, तो एनर्जी बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रिक, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉ की गई थी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी के भी फॉर्मूले हैं और ये हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर के भी फॉर्मूले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात कर सकता हूँ हीटिंग दे दीजिए, अभी हीट है तो इसकी भी यूनिट जूल है, इसकी भी यूनिट जूल है, इसकी भी यूनिट जूल है, सारी यूनिट जूल है। और ये ध्यान रखिए कि हीट के फॉर्मूले में टी अगर नहीं आ रहा है तो हर न्यूमरेटर में आ रहा है, यहाँ टी नहीं आ रहा, यहाँ भी टी न्यूमरेटर में, यहाँ भी टी न्यूमरेटर में, यहाँ भी टी न्यूमरेटर है और यहाँ भी टी न्यूमरेटर में। बाकी तो गलती नहीं करते, कभी कभी हम जल्दबाजी में यहाँ आर टी लिख देते हैं, तो वो वार्निंग लिख दीजिए इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस टी इज इन न्यूमरेटर ऑलवेज, या तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है क्यूवी वाला, उसके फॉर्मूले में तो टाइम आ ही नहीं रहा, अगर फॉर्मूले में टाइम आ रहा है तो न्यूमरेटर में आ रहा है, जो आप वी स्क्वायर बाय आर टी लिखते हैं ना उसमें कभी कभी टी गलती से जल्दबाजी में डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है, वो आप ध्यान रखते हैं। टाइम का इतना क्रंच मत करें कि टाइम को नीचे डाल दो, तो टाइम आपको नीचे डाल दे। समरी हमारी ये है, एच का फॉर्मूला है क्यू वी, ये है डी आई टी, ये है वी स्क्वायर बाय आर टी और ये है आई स्क्वायर आर टी, ये हमारी समरी है। तो ये सारी की सारी जो जूल्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या हीट प्रोड्यूस्ड हो, उनके ये तमाम फॉर्मूले हैं, सारे आंसर जूल्स में हैं। एक ही चीज के चार फॉर्मूले हैं, दिक्कत तो हो ही जाएगी। ये शायद हम तब पसंद करेंगे जब हमें वोल्टेज की जानकारी पता, और ये हम तब पसंद करेंगे जब करंट की जानकारी पता। सर रेजिस्टेंस की जानकारी तो रहेगी रहेगी, अगर रेजिस्टेंस की भी जानकारी नहीं है, वोल्टेज और करंट दोनों पता है तो ये लीजिए, ज्यादातर फिर ये और ये ज्यादा काम के, ये ज्यादा काम का नहीं है, थोड़ा बहुत कभी कभी ये काम का आ जाता है, ज्यादा काम के ये दोनों हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आप तब यूज करिए जब सवाल में आई की जानकारी दी गई है, या दो दो रेजिस्टर्स हैं उनमें करंट सेम है तो फिर ये फॉर्मूला प्रेफर किया जाएगा, और जब वोल्टेज सेम है तो ये प्रेफर किया जाएगा। खैर वो क्वेश्चन ही आपको सिखाएंगे कि आपको कहाँ कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करना। अब हेडिंग दे दीजिए इलेक्ट्रिकल पावर, पावर तो हमेशा ही बात अपना टाइम होता है, तो क्यू बी बाई टी हो जाएगा, तो बी आई टी बाई टी हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई आर टी बाई टी हो जाएगा, या वो आई स्क्वायर आर टी बाई टी हो जाएगा। ये तो ठीक है, क्यू बी बाई टी तो ठीक है, जो हो गया बी आई, जो हो गया बी स्क्वायर बाई आर और जो हो गया आई स्क्वायर, ये सारी यूनिट है इसकी जूल अपॉन सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम है, यानी पावर की यूनिट है वाट। बस ये सब भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक हेडिंग दे दीजिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में इस जगह लिखा नहीं है। पावर पढ़ लेने के बाद में पावर का मेरे पास फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इंटू टाइम, तो इसकी एक यूनिट वॉट इंटू सेकेंड है, पर उसको वॉट को किलो वॉट में और सेकेंड की जगह आर में लिखना चाहेंगे। वन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज kWh, 1 kWh, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज kWh। तो वार्निंग आपको यही लिखनी है कि जो kWh है वो एनर्जी की यूनिट है, पावर की नहीं है, kWh है वो एनर्जी की यूनिट है, वो पावर की यूनिट नहीं है।
और हम लोग के घर में जो बिजली का बिल आता है, हम बोलते हैं हमने इस महीने 100 यूनिट बिजली चलाई, 1000 यूनिट बिजली चलाई। 1 यूनिट मतलब 1 kWh, इसे लिख दीजिए, 1 यूनिट मींस 1 kWh। सो दैट्स अ हेल लॉट ऑफ एनर्जी, वो बहुत सारी एनर्जी है। 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर, हम रिलेशन लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन kWh एंड जूल, kWh और जूल में रिलेशन लिख रहे हैं, kWh और वाट में रिलेशन नहीं लिख रहे हैं। kWh किलो की जगह लिख दिया मैंने 1000, वाट की जगह लिख दिया जूल पर सेकंड, और 1 आवर की जगह लिख दिया 3600 सेकंड। सो जो 1 यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, दैट इज 3.6 इंटू 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सो दैट इज 3.6 मेगा जूल। 1 kWh is 3.6 megajoule। ऐसे तो प्रॉब्लम आती है, अगर पूरा आप याद करते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है, ये 36 into 10 power 6 है कि 3.6 into 10 power 6 है। बेटर तो यह है कि इसको आप हर बार डिराइव कर लें अगर डाउट में आ रहे हैं तो, और 3.6 megajoule बार बार बोलने की आदत डालने तो ज्यादा अच्छा है, पर ये रिस्की है। ये 3.6 into 10 power 6 है, 36 into 10 power 6 है, शायद कंफ्यूजन में आप कभी आ सकते हैं। ओके फाइन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट है वो ये है, एनसीईआरटी में इस जगह ये नहीं दी गई है, ठीक है, बात कर ली हमने। फिगर 3.12 में इसने इलेक्ट्रिक सेल बनाया है और फिर इलेक्ट्रिक सर्किट उससे बनाया है, तो द हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेस्टर आर्क which is converted across the terminals of the cell, connected across the cell, the energy dissipated in the resistor arc comes from the chemical energy of the electrolyte। ये अलग से cell अभी इसके बाद आ ही रहे हैं, वहीं अपन इसके बाद पढ़ ही लेंगे। ये cell की जो chemical energy होती है ना, वो chemical reaction से पहले electrical energy में convert होती है, और वही electrical energy resistance पे dissipate हो जाते हैं heat के रूप में, chemical to electrical and electrical to heat। चलिए ऐसा लिख दीजिए, in a cell chemical energy of the electrolyte is converted into electrical energy, chemical energy of the cell is converted into electrical energy, and this energy is dissipated as heat in resistors in the circuit, resistors in the circuit connected by connecting wires। कैसा भी एक सर्किट हो सकता है, हम लोग डायग्राम ये क्या पूरा सेल तो नहीं दिखाते, सेल का सिंबल बना देते हैं, ये सेल है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं और ये एक रेजिस्टेंस। टिपिकली ये जो एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, जैसे या पंखा है या टीवी है या फ्रिज है, कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, हम लोगों को इसके सिर्फ आर से मतलब होता है। हमारे लिए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, अभी हम फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में इसकी जब बात कर रहे हैं, तो हमको इससे मतलब नहीं कि टीवी है कि फ्रिज है, हमारे लिए तो इसके अंदर वायर जा रहा है और उस वायर का एक रेजिस्टेंस है। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विल बी सीन एज अ रेजिस्टर, और ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं अगर ये आइडियल नहीं है, खैर होते तो है ही नहीं आइडियल, तो इनका भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होगा। कनेक्टिंग वायर्स अगर परफेक्ट कंडक्टर के हैं तो एक अलग बात है, वरना हाँ कनेक्टिंग वायर्स में भी एक रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि तुम वायर बनाओगे किसी ना किसी मटेरियल का, मेटल का, तो बेस्ट कंडक्टर का भी बना लो रो एल बाय ए में, उसका रेजिस्टिविटी कुछ ना कुछ तो होगी, तो रेजिस्टेंस तो होता है। यू कैन नॉट रेजिस्टेंस, एक लाइन आप लिख दीजिए, रेजिस्टेंस कैन नेवर बी एलिमिनेटेड फ्रॉम अ वायर। रेजिस्टेंस को आप किसी वायर से कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल है, सॉलिड है, कॉलिशंस है, तो कनेक्टिंग वायर में भी रेजिस्टेंस होता है। यहाँ आप अपना दिमाग सुपर कंडक्टिविटी में मत ले जाइएगा। हम लोग जो जिन फिनोमिना को नॉर्मल डेली लाइफ में रूम टेम्परेचर पे डील करते हैं, उन्हीं पर हमारा दिमाग जाना चाहिए। हाँ, सुपर कंडक्टिविटी में कुछ एक्सेप्शन बातें हो सकती हैं, शायद वायर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, पर हम फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे। जिस कंडीशन में हमें चीजों से डील करना पड़ता है, हम उसी कंडीशन में सर्किट की बात करते हैं। तो आपको हेडिंग देनी होगी कि हीट
या पावर डिसिपेटेड इन कनेक्टिंग वायर्स, पावर डिसिपेटेड इन कनेक्टिंग वायर्स। वो ये कह रहा है कि भाई सर्किट में तीन चीजें, एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जा सकता है जो सेल है, ये कनेक्टिंग वायर्स है और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब अगर ये बल्ब है तो ये लाइट एमिट कर रहा है, या हीटर है तो हीट एमिट कर रहा है, और जो अप्लायंस है ये यूजफुल एनर्जी है, यूजफुल एनर्जी जो हम लोगों के काम आती है। और कनेक्टिंग वायर में, कनेक्टिंग वायर में जो हीट या जो पावर है वो हमारे लिए वेस्ट हो, ये एनर्जी हम लोग के लिए वेस्ट हो रही है। ये तो वायर गर्म हो जाए इससे तो हमें कोई फायदा नहीं, वायर को तो लपेट के हम सोने वाले नहीं। अगर हम हीटर की ले रहे हैं तो, अगर हम हीटर के रूप में इसको यूज कर रहे हैं तो हमें इसकी हीट चाहिए, इसकी हीट हमारे किसी काम की नहीं है, कहीं ना कहीं नुकसान ही देगी। यहाँ जो हीट पैदा होगी दैट इज वेस्ट है, कनेक्टिंग वायर में जो हीट पैदा हो रही है वो वेस्ट है। हालांकि ये जो कनेक्टिंग वायर का डिस्कशन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु टफ कंफ्यूजिंग परेशान करने वाला है। तो भाई अगर मेरे को पावर चाहिए, अब क्या एक्चुअली ये दोनों सीरीज सर्किट है, ठीक दीजिए है द यूजफुल लोड, यूजफुल लोड बोल सकते हैं इसको, द यूजफुल लोड एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स आर इन सीरीज। तो यूजफुल लोड है, और जो कनेक्टिंग वायर्स है इसको ट्रांसमिशन केबल भी कहते हैं, ट्रांसमिशन केबल। ये मैं आपसे तब बात करूंगा, ट्रांसमिशन वाली बात तो मैं आपसे तब करूंगा जब मैं आपसे बोलूंगा कि भाई यहाँ से जो बिजली हम लोग पैदा करते हैं ना, एक्चुअली वो कहीं एमपीवी से हमारे घर में जो बिजली पैदा आ रही है वो कहीं यूज हो रही है कहीं 400 500 600 किलोमीटर दूर, जहाँ कोयला है, पानी है, थर्मल पावर प्लांट है, वहां बिजली पैदा करके हमारे घर में भेज रहे। तो रास्ते भर खेतों में से होती हुई आती है ट्रांसमिशन लाइन। तो ये कनेक्टिंग वायर मतलब वही ट्रांसमिशन केबल, ये जनरेटर है जो काफी दूर कहीं मेन सिटी से लगा हुआ है, एमपी की बात करें तो कोरबा सारनी वगैरह ऐसी जगहों पर पावर स्टेशन लगा हुआ है, थर्मल पावर प्लांट, नॉट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये काफी दूर है, यहाँ बिजली पैदा होती है और वहां से हमारे घर तक अल्टीमेटली वायर्स के थ्रू आती है। हमारे घर में जो हम यूज कर रहे हैं बिजली को, हम उसको यूज करते हैं और उसके पूरे निचोड़ के उसको चूस के उसको वापस लौटा देते हैं। ये बिजली वापस पूरी वहां तक जाती है जहां से आई, इलेक्ट्रिसिटी का हम स्टोर नहीं कर सकते ना, इसलिए हाई एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी आती है और हम उसे यूज करते हैं और ये पूरी वापस चली जाती है, इसलिए इसका नाम लिया ट्रांसमिशन केबल। बट हम इनमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट ना ले, हमारा तो कहना है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सीरीज में, और अगर ये दोनों सीरीज में है तो एक्चुअली दोनों में करंट सेम। देखिए करंट इन द ट्रांसमिशन केबल, करंट इन द ट्रांसमिशन केबल एंड द लोड रेजिस्टेंस, इसको हम लोग कभी कभी आर एल भी कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस इज सेम। कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है आर सी, और जो लोड रेजिस्टेंस है, जो यूजफुल रेजिस्टेंस है, उन दोनों में करंट सेम। और करंट सेम होता है तो पावर का हम लोग ये वाला फॉर्मूला ज्यादा पसंद करते हैं, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, क्योंकि सीरीज सर्किट में तो करंट होता ही सेम। जो पावर का फॉर्मूला हम लोग पसंद करते हैं वो है आई स्क्वायर आर। अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा आप किसके पावर की बात करें, वो पावर जो सोर्स से चल रहा है वो अलग है, वो पावर जो यहाँ वेस्ट हो रहा है हीट के रूप में डिसिपेट हो रहा है, डिसिपेटेड एज हीट के रूप में डिसिपेट हो रहा है, वो पावर अलग है। और जो यूजफुल पावर है जिसको कि आप उपयोग कर रहे हैं अपने घर में, अगर आप पंखा चला रहे हैं तो पंखे की एनर्जी के रूप में, हीटर चला रहे हैं तो हीटर की एनर्जी के रूप में, टीवी चला रहे हैं तो टीवी में जो पावर कंज्यूम हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइट बिजली चाहिए आपको, रोशनी चाहिए, ट्यूबलाइट, इनकैंडिसेंट लैंप, एलईडी बल्ब, ये सब जो आपको यूजफुल एनर्जी, ये वो एनर्जी दे रहा है जो आप यूज कर रहे हैं डिजायर्ड फॉर्म में। खैर मैं अब इसके पावर की बात कर रहा हूँ तो कनेक्टिंग वायर्स का पावर है आई, तो खैर सेम होगा, रेजिस्टेंस मुझे कनेक्टिंग वायर्स का लेना, रेजिस्टेंस मुझे कनेक्टिंग वायर्स का लेना पड़ेगा और इस पूरे को मुझे अल्टीमेटली वी से रिलेट कर देना, सप्लाई वोल्टेज
सप्लाई वोल्टेज से अगर मैं रिलेट करूं तो आई तो सेम है, टोटल पावर की बात कर रहा हूं जो बैटरी से चल रहा है वी इज टू वी आई, मतलब बैटरी का पावर इज टू वी बैटरी और आई तो पूरा सेम ही, तो आई की जगह मैं पी बाय वी लिख सकता हूं। जब खाली पी लिख रहा हूं तो मेरा मतलब है टोटल पावर, या तो नाम दो कौन सा पावर, कुछ नहीं बोल रहे तो शायद टोटल पावर। तो कनेक्टिंग पावर्स में जो कनेक्टिंग वायर में जो पावर खत्म हो रहा है वो है पी बाय वी का स्क्वायर इनटू आर सी, कनेक्टिंग वायर्स का जो पावर है वो है पी स्क्वायर आर सी बाय वी स्क्वायर। ऐसी कोई एक्सप्रेशन शायद वो आपसे पूछ सकता है, दो इट इज इडियोटिक इन माय ओपिनियन, बट एनसीईआरटी में जिक्र है, एनसीईआरटी में दिया है, तो आपसे बोलेगा कनेक्टिंग वायर्स के पावर की एक्सप्रेशन बताइए। मेरे हिसाब से मैं इसे 3 स्टार ही दूंगा, ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेट, आप अलग से लिख भी सकते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट, बट डेफिनेटली एक्सप्रेशन है और एक वो एक्सप्रेशन है जो ज़्यादातर पढ़ाई नहीं जाती है, तो शायद ये कभी दे सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर तो कुछ आना नहीं। बस तो असली बात इंटरेस्टिंग बात आपको ये कह रहा है कि जो ट्रांसमिशन लाइन में पावर वेस्टेड है, जैसा कि लाइन में लिख दीजिए, ये अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट, ये एक्सप्रेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है और इसको रटने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना की जाए, यदि इम्पोर्टेंट होगी तो कहीं ना कहीं आपके सामने आएगी, चिंता न करें। अभी तो आपने जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये लिखी है कि पावर वेस्टेड इन कनेक्टिंग वायर्स, पावर वेस्टेड इन कनेक्टिंग वायर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/v² पावर वेस्टेड इन कनेक्टिंग वायर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/v² टू रिड्यूस द पावर लॉस इन ट्रांसमिशन केबल्स, to reduce the power loss in transmission cables, the transmission voltage should be increased. The transmission voltage should be increased. Bas. Khatam hua. The transmission wires hain, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनमें जो पावर लॉस होता है वो 1/v² के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए वोल्टेज हमको जब हम बिजली एक जगह से दूसरी जगह तक भेज रहे हैं तो हमें उसका वोल्टेज बढ़ा के भेजना चाहिए। इस डिस्कशन को और दोबारा किया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में, जहाँ ट्रांसफार्मर्स का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इन्होंने नाम लिया तो है ट्रांसफार्मर्स का, पर अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं, हमने केवल अब तक जो पढ़ा था वो ये पढ़ा H का फॉर्मूला बेसिकली Q V है, वो V I T है, वो V स्क्वायर बाय R T है और वो I स्क्वायर R T है और इसकी यूनिट किलोवाट आवर है या जूल, ये हीट एनर्जी। पावर की अगर हमने बात की मतलब हीट को हम चाहें तो P इंटू T भी बोल सकते हैं। एक और फॉर्मूला ये है, 5 फॉर्मूले हो गए 1, 2, 3, 4 और ये 5। पावर की बात करें मतलब P इंटू T में लिखता तो मेरे लिए यूनिट थोड़ी आसान हो जाती है, जहाँ तो मेरे से वॉट सेकंड लिखता जो कि जूल हो जाता है, और या फिर मैं इसे के डब्ल्यू एच लिख देता। पावर जो है वो वी आई टू डी बाई टी तो लिखने का कोई ज्यादा फायदा है नहीं वैसे, हाँ वी आई या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, पावर के फॉर्मूले में डायरेक्टली टी नहीं आता है, ये डेरिवेशन में तो आ रहा है, उसके बाद पावर को टाइम पे डिपेंड नहीं करता, फॉर्मूले में तो टाइम डायरेक्टली नहीं देता। इसकी यूनिट वॉट्स है, या ऑफकोर्स अगर ज्यादा पावर हैंडल कर रहे हैं तो किलोवाट है, इसकी यूनिट किलोवाट आर नहीं है, ये बात हमने सीखी। बस और बाकी तो कनेक्टिंग वायर का जो पावर है वो है पावर टोटल पावर इंटू वी स्क्वायर इंटू आर कनेक्टिंग वायर अपॉन वी स्क्वायर। मेरे हिसाब से फॉर्मूला यूजफुल नहीं है, बस एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि टू डिक्रीज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन, टू डिक्रीज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन या कनेक्टिंग वायर्स, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज शुड बी इंक्रीज, वोल्टेज बढ़ाओगे तो कनेक्टिंग वायर में पावर लॉस कम हो जाएगा, ये अपने को किसी तरह याद रखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड कैन बी गिवन 5 स्टार्स, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट
और ये डायरेक्टली एग्जाम में आने के इसकी तुलना में ज्यादा चांसेस है। हालांकि ये फॉर्मूला है और ये थियोरी, ज्यादा ध्यान तो मैं हमेशा फॉर्मूले पे देता हूँ, पर ये बहुत ही ये किसी भी न्यूमेरिकल में उपयोग होने वाला फॉर्मूला नहीं है। और इस लाइन की तो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपको जिंदगी भर पता होना चाहिए कि हाई वोल्टेज पे बिजली ट्रैवल कराते हैं हम लोग, खेतों में जहाँ डेंजर सिग्नल लगे होते हैं वहाँ वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, 66 kV, 33 kV, 11 kV आप खंबे पे पड़ेगा डेंजर सिग्नल पर। जैसे जैसे वो बिजली आपके घर के पास आती जाती है उसका वोल्टेज लेवल हम लोग डाउन करते जाते हैं, और हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट पे आती है। हाँ, 66 kV या 132 kV, 66 kV, 33 kV, 11 kV, ऐसे सारे वोल्टेज सब स्टेशन से घटते 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 आपके घर तक आते आते उस लेवल पे वोल्टेज आता है जिस लेवल पे आपकी डिवाइसेस बनाई गई। आपके घर में जितनी भी डिवाइसेस बनाई गई है वो सब 220 वोल्ट के लिए बनाई गई। चलिए एक लाइन यहाँ ये लिख लेते हैं, ऑप्शन पर शायद है तो नहीं, पर हेडिंग दे दीजिए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सप्लाई, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई। ये लाइन भी एनसीईआरटी में यहाँ मेंशन नहीं है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमारे घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज एसी सिंगल फेज है, 5 फेज का सिग्नल सिंपल है। हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो 220 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज एसी। फैक्ट्री में या जब बड़े लोड लगे हुए हैं वहाँ 3 फेज जाती है बिजली, सिंगल फेज आती है अदरवाइज। अब क्या है कि हमें यही समझना है, शायद फिलहाल तो मेरे लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ मुझे ये समझना है मेरे घर में जितने भी स्विच सॉकेट अवेलेबल हैं जहाँ जहाँ भी सबसे 220 वोल्ट लगे। ये लाइन चलिए और लिख, एक लाइन लिख दीजिए, ऑल डिवाइसेज इन हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑल डिवाइसेज इन हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक हाउस होल्ड सर्किट में जितनी भी डिवाइसेज होती हैं सब पैरेलल में जोड़ी जाती हैं, एंड इन पैरेलल वोल्टेज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम है। देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस, वोल्टेज अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वोल्टेज अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन हाउस होल्ड सर्किट, वोल्टेज अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन हाउस होल्ड सर्किट इज सेम। दस जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। ये लाइन भी 5 स्टार देने लायक है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन जबरदस्त हमें मिलेगी। ओके, अब ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है रेजिस्टेंसेस की, और ये तमाम बातें एकदम वैसी की वैसी है जैसी कि हमने कैपेसिटर्स में पढ़ी। तो ठीक है, बुला देते हैं इसको, हेडिंग दे दीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये जो रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड देयर इज नो साइड वायर। सीरीज मतलब पहले तो ये लिखना पड़ेगा आपको सिंगल पाथ, सीरीज का मतलब है एक ही रास्ता, एक ही रास्ता। सिंगल पाथ एक ही रास्ता, तो आइडेंटिफिकेशन का टिप है, पहचानने का तरीका है कि अगर R1 और R2 के बीच में कोई वायर साइड में नहीं जा रहा है देन R1 और R2 आर इन सीरीज। लिख दीजिए नो साइड वायर, नो साइड वायर बेसिकली नो जंक्शन। ये तो फिर जंक्शन बन जाएगा, ये तो नोड बन जाएगा। अगर एक वायर, दो वायर और तीन वायर हो गए तो अलग से लाइन लिख दीजिए, रेजिस्टेंस टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ अ जंक्शन, resistance to the left and right of a junction, bracket में where three or more than three wires meet, जहां तीन या तीन से ज्यादा वायर मिलते हैं उस junction के left या right के resistance series में नहीं होते। अगर ये junction नहीं है, ये wire कोई भी side में नहीं जा रहा है तो ये पक्का series में है, क्योंकि तब उसका जो current है उसका current है वो same रहेगा, वरना करंट का बंटवारा होगा, इसमें से कुछ यहाँ जाएगा और कुछ यहाँ जाएगा।
सीरीज को पहचानने का ये तरीका है कि बीच में कोई जंक्शन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यही बना रहे हैं, हेडिंग दे दीजिए आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। ये इसे हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि भाई जो ये दो मिलके करंट इस बैटरी से ड्रॉ कर रहे हैं उतना ही करंट, जो ये दो मिलके वी वोल्ट की बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे हैं उतना ही करंट अगर एक अकेला रेजिस्टेंस उसी बैटरी से ड्रॉ करेगा तो वो इक्विवेलेंट ही तो कहलाएगा। जो ये दो मिलके कर रहे हैं वही अकेला कर रहा है, सेम बैटरी से सेम करंट ड्रॉ करना है। अच्छा, जब ये करंट यहाँ जाता है ना तो आई इंटू आर वन नाम का यहाँ वोल्टेज गिर जाता है, सो करंट आ ही जाता है, सीरीज में है तो करंट सेम है और उतना ही घटेगा भी। आई आर वन नाम का वोल्टेज यहाँ गिर जाता है इसको वी वन कहते हैं, या आई आर टू नाम का वोल्टेज गिर जाता है इसे वी टू कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज मुझे आपको बता देने चाहिए थे। नंबर वन करंट सेम है और नंबर टू वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूट, भाई वोल्टेज यानी एनर्जी। अब इस रेजिस्टेंस के से चार्ज को धक्का मारने में एनर्जी खर्च होगी ना, वी का फॉर्मूला है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज को यहाँ से धक्का मारने में जो एनर्जी खर्च हो रही है वो यहाँ का वोल्टेज है, और यूनिट चार्ज को यहाँ से धक्का मारने में जो एनर्जी खर्च हो रही है वो यहाँ का वोल्टेज। वोल्टेज है ना एनर्जी, वोल्टेज है ना एनर्जी। अब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, रेजिस्टेंस चाह रहा है करंट ना जाए और आप करंट भेज रहे हो तो एनर्जी तो खर्च होगी, तो ये टोटल एनर्जी है, उसमें से कुछ एनर्जी यहाँ खर्च हो गई, कुछ एनर्जी यहाँ खर्च हो गई। हम एनर्जी को आप W नहीं V के नाम से पढ़ेंगे। तो सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज का बंटवारा होता है, और इस पर V में से जो वोल्टेज गिरा वो V1 है और इस पर जो वोल्टेज गिरा वो V2। तो डेरिवेशन अगर आपको करना है तो आप V को V1 प्लस V2 कहेंगे, इस V1 को आप आई आर1 कहेंगे, इस V2 को आप आई आर2 कहेंगे, और इस V को आप I into R equivalent के लिए I same है तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये सब हमें अच्छे से बचपन से याद ही है, कोई इशू की बात ही नहीं। सीरीज में करंट सेम है, वोल्टेज का बंटवारा होता है और रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। अब हेडिंग ये दे देते हैं, फॉर्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, फॉर्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स टी डब्ल्यू टू को हाईलाइट करिए। फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स, ये जो फॉर्मूला हम बना रहे हैं ये सिर्फ तब काम का है जब टू रेजिस्टर सीरीज में हो, तीन हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लग पाएगा। टू रेजिस्टर्स हैं, ये आर वन है, ये आर टू है, ये वोल्टेज हमने वी सप्लाई किया है, इसमें से यहाँ वोल्टेज वी वन गिर रहा है और यहाँ वोल्टेज वी टू गिर रहा है। मुझे पता है कि वी इज इक्वल टू आई आर एंड आई इज इक्वल टू सेम, सो वी इज प्रोपोर्शनल टू आर, so V1 by V2 equal to R1 by R2, V is equal to IR और सीरीज में करंट सेम है। तो बस हम ये समझ गए कि ज्यादा रेजिस्टेंस पे, बड़े रेजिस्टेंस पे ज्यादा वोल्टेज गिरता है, ऐसे ही लिख दीजिए, वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ कोर्स इन सीरीज, वोल्टेज इन सीरीज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वोल्टेज इन सीरीज gets distributed in direct proportion of resistors. सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा रेजिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, मतलब यह है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, मोर वोल्टेज ड्रॉप ऑन अ बिगर रेजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उस पर वो ज्यादा एनर्जी आपकी खा भी जाएगा, मोर वोल्टेज ड्रॉप ऑन बिगर रेजिस्टर।
एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई वी वन प्लस वी टू, जो मैंने एनर्जी लगाई है उसमें से कुछ एनर्जी यहाँ खर्च हुई और कुछ एनर्जी यहाँ खर्च हुई। ये दोनों इक्वेशनों में से अगर मैं मान लीजिए वी टू को एलिमिनेट कर देता हूँ, अगर मैं वी टू को एलिमिनेट कर देता हूँ तो वी टू आएगा वी वन आर टू, वी वन आर टू बाय आर, और इसको यहाँ डाल देते हैं बिल्कुल वी वन प्लस वी टू, वी टू की जगह डाल देते हैं वी वन आर टू बाय आर वन, तो इस ग्रुप में वी वन कॉमन ले लेता हूँ तो वन प्लस आर टू बाय आर वन, तो इस ग्रुप में वी वन तो आर वन प्लस आर टू बाय आर वन। डेरिवेशन में इंटरेस्टेड है नहीं, v1 का फाइनली फॉर्मूला आ रहा है r1 अपॉन r1 प्लस r2 into v। ये फॉर्मूला आप चाहें तो याद कर सकते हैं। v1 का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है v1 का, इसका फॉर्मूला है, ये v1 का फॉर्मूला है, इसी का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज, और ये जो v2 है इसका फॉर्मूला है इसी का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज। वी में से कुछ वी वन गिरा, वी में से कुछ यहाँ गिरा और वी में से कुछ यहाँ गिरा, ये फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाई किए जा सकते हैं, और वरना आपके पास बेसिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, इसके आधार पे आप अपने आप डेरिवेशन कर ही लेंगे। आपको जिसका वोल्टेज चाहिए उसी का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल, जिसका वोल्टेज चाहिए उसी का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल। हो सके तो ज्यादा सुंदर बात यह है कि अगर ये 3 ओम है और ये 5 ओम है तो आपको पता है कि 3 वाले पे वोल्टेज कम आएगा, 3 वाले पे वोल्टेज कम आएगा, तो छोटा रेजिस्टेंस, बाकी तो सब कॉमन ही है, 3 अपॉन 3 प्लस 5 इनटू v। आंसर छोटा लाना है तो न्यूमरेटर में छोटा होना चाहिए ना। एक और बात ध्यान रखिए कि ये आर और ये सारे आर अगर सेम यूनिट्स में, मान लीजिए मेगा ओम है और ये भी मेगा ओम है, तो आपको इनको ओम्स में लाने की जरूरत नहीं, बोल सकते हैं इफ अ न्यूमरेटर हैज आर एंड अ डिनोमिनेटर हैज आर एज वेल, न्यूमरेटर में भी आर है और डिनोमिनेटर में भी आर है, सो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट बोथ इन एसआई यूनिट्स, दोनों एसआई यूनिट्स में ऐसी आवश्यकता नहीं है, बस बोथ शुड बी सेम यूनिट्स, दोनों एसआई यूनिट्स में हो इसकी आवश्यकता नहीं है, दोनों बस सेम यूनिट्स में हो, दोनों मेगा मेगा में होंगे तो कैंसिल हो जाएगा। बात ध्यान, प्रॉब्लम क्या है कि सी वन और सी वी कैपेसिटर्स में क्या होता था, अगर आपको वी वन चाहिए ना तो सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू वी कर दो, और रेजिस्टर्स में अगर आपको वी वन चाहिए अगर आप आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू वी करते हो, ये कभी कभी थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, अपने आप में इसमें आपको लगता ही नहीं है अगर कुछ है, शायद आप इसके साथ भी कंफर्टेबल हैं, पर जब दोनों पढ़ चुके हुए 6 महीने हो जाते हैं तो ये कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है। कैपेसिटर्स में क्यूज को सीवी में सीरीज में क्यू सेम रहता है, क्यू सेम रहता है तो सीवी सेम है, तो फिर वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय सी। कैपेसिटर्स में ये है, कैपेसिटर्स में वोल्टेज का बंटवारा कैपेसिटीज के इनवर्स रेशियो में होता है, जबकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज का बंटवारा रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में होता है। ये एक्चुअली सारी प्रॉब्लम आप इसको पढ़ते हुए समय आपको कभी तकलीफ नहीं आई होगी, इसको पढ़ते हुए भी आपको लगता है कि हाँ यार ये तो हमें सब आता है, क्या पढ़ा रहे हैं ये, पर प्रॉब्लम जब एग्जाम आता है तो आप इन दोनों में गलती कर देते हैं, तो ऊपर का टर्म में आप थोड़े मिक्सअप कर सकते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। बेहतर ये है कि हर बार आप बेसिक्स से बोलिए, अगर कैपेसिटर्स की बात हो तो आप बोलिए सीरीज में क्यू सेम तो सी वी सेम तो वी प्रोपोर्शनल टू 1/c, और अगर वी प्रोपोर्शनल टू 1/c तो वी वन के सामने आएगा सी टू, बाकी सब तो सेम ही है, और अगर रेजिस्टर सीरीज में है तो वी सो टू आई आर, करंट सेम है, वी प्रोपोर्शनल टू आर है, तो बस फिर तो वी वन के सामने आर वन आएगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है तो वी वन के सामने आर वन, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है तो वी वन के सामने सी टू। अगर 3 रेजिस्टर सीरीज में हो तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, चलिए हम ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है और ये मान लीजिए चलिए 5 ओम है और ये 11 वोल्ट की बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी अब कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ वोल्टेज गिरेगा, वोल्टेज ड्रॉप
या उसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस। तो हाँ, एक तरीका तो ये है कि पूरा आप बोल दीजिए टोटल रेजिस्टेंस भी 12 ओम है, बैटरी से चलने वाला करंट निकाल लें, यहाँ से चलने वाला करंट है 12/12, वोल्टेज भी 12 है और रेजिस्टेंस भी 12 है, यहाँ से चलने वाला है करंट 1 एम्पियर, आई इंटू आर ये 3 वोल्ट दे दो। ये बात तो सही है। मैं तो आपको फिलहाल ये पढ़ाने वाला हूँ कि आप इसको 2 रेजिस्टर अगर आप फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं तो फिर यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ 2 रेजिस्टर प्रॉब्लम। तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को इनके रिजल्टेंट से रिप्लेस कर, जैसे लिख दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बेसिक मेथड ही ज्यादा काम का है कि पहले पूरा रेजिस्टेंस निकालिए, बैटरी से चलने वाला करंट निकालिए और जिसका वी चाहिए उसका आई इंटू उसका आर कर दीजिए, बेहतर तो यही है। पर चलिए यहाँ लिख दीजिए, If we are given a 3 resistor problem, if we are given a 3 resistor problem, and we want to apply the formula, of distribution of voltage in series, then retain the resistor. On which something is to be found. उस रेजिस्टर को जिंदा रखिए, बनाए रखिए जिसपे आपको कुछ निकालना है, retain the resistor on which something is to be found and replace the other two resistors by their equivalent. जिसपे आपको कुछ निकालना है उसे आप जिंदा बनाए रखें, retain the resistor on which something is to be found and replace the other two by the result है। इसको अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आप इसको 3 ओम रहिए और 5 और 4 9 ओम रहिए, अब आप फॉर्मूला लगाने की पोजीशन में हैं। इसको कर ही लेते हैं। चलिए इसी सवाल में, चलिए मैं ए बी और सी और डी कुछ बातें आपसे और कर लेता हूँ। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि अगर 3 रजिस्टर हैं और अगर आपको इस पर कुछ चाहिए तो इसको तो जिंदा रखिए, ये खत्म ना हो जाए, ये मिल ना जाए, भीड़ में खो ना जाए, इसको जिंदा रखिए और बाकी दोनों को उनके रिजल्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए। अब आप 2 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अगर फॉर्मूला लगाना चाहें तो। हालांकि ज्यादा अच्छा यही है कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालिए, बैटरी से चलने वाला करंट निकालिए और फिर हर एक का आई आर कर दीजिए। ठीक, अब इस सवाल में थोड़ा कुछ नया सीख रहे हैं। इसमें मुझे एक्चुअली डी ए निकालना है और डी बी निकालना है, पोटेंशियल एक चीज है, डी ए इससे पहले मुझे निकालना है, डी ए बी फिर मुझे निकालना है, डी बी सी फिर मुझे निकालना है, डी ए बी का मतलब होता है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, डी बी सी का मतलब होता है बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, डी सी डी का मतलब होता है सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, डी ए का मतलब होता है ए का पोटेंशियल, VB का मतलब होता है B का पोटेंशियल। A और B, VAB of course means, VAB of course means VA minus VB. VAB of course means VA minus VB. A और B का पोटेंशियल डिफरेंस है। मुझे A और B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, और उसके बाद इन चारों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स भी निकालने। तो मुझे ये पता तो है कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 12 ओम है और बैटरी से चलने वाला करंट 1 एम्पियर है। नंबर 1 तो मैं आर इक्विवेलेंट निकालूंगा जो कि 12 ओम है। नंबर 2 मैं करंट फ्रॉम द बैटरी विल बी वी बैटरी अपॉन आर इक्विवेलेंट जो 12/12 है तो 1 एम्पियर है। उसके बाद में आपको अगर तो इसका अगर वोल्टेज चाहिए, इसका वोल्टेज चाहिए तो यहाँ पर ड्रॉप आई आर, इसका आई आर, अगर तो जिसका वोल्टेज चाहिए उसका आई टू उसका, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है। अब मैं यही लिखना चाहता हूँ जिसका वी उसका आई टू उसका, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है। इस तरह से फॉर्मूले पे मैं 5 स्टार देता हूँ, आपको जिसका भी चाहिए उसका आई टू उसका, और आई तो 1 एम्पियर है तो ये 3 वोल्ट हो गया, ये 4 वोल्ट हो गया और ये 5 वोल्ट हो गया। आपको जिसका वी चाहिए उसका आई इंटू उसका आर
और सीरीज में फायदा यह है कि सबके आई सेम, सीरीज में फायदा यह है कि सबके आई सेम, बस वी ए बी है 3 वोल्ट, ये बी सी है 4 वोल्ट और वी सी डी है 5 वोल्ट। अब असली चीज है इसके बाद भी ए निकालना है आपको। हम लोग कनेक्टिंग वायर्स में 0 वोल्टेज ड्रॉप मांगते हैं, मानते हैं कि आइडियल है, अच्छे मोटे वायर लेते हैं जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, 0 रेजिस्टेंस ही हमेशा मानेंगे, जिसकी वैल्यू नहीं दी उसको 0 ही मानेंगे, ये 0 रेजिस्टेंस है। तो ये 2 पॉइंट है पोटेंशियल को, लिख दीजिए अलग से, अगेन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार दे दीजिए और पॉइंट पे लिख दीजिए कि 2 पॉइंट्स कनेक्टेड बाय सेम वायर, 2 पॉइंट्स कनेक्टेड बाय सेम वायर आर एट सेम पोटेंशियल, आर एट सेम पोटेंशियल एंड शुड बी गिवन सेम नेम। अगर आवश्यकता हो आपको तो, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है और ये पॉइंट भी ए है, अगर आपको नाम देने की आवश्यकता हो तो ये पॉइंट डी है तो ये भी डी है और ये भी पॉइंट डी है। जो पॉइंट दो एक ही तार से जुड़े होते हैं, अगर ये बी है तो ये भी बी है और ये भी बी है, जो दो पॉइंट एक ही तार से जुड़े होते हैं वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं, और अगर आपको उन्हें नाम देने की आवश्यकता पड़े तो उनका सेम नाम दिया जाना चाहिए, इस बात पे 5 स्टार चढ़ा दीजिए। भाई अब इसका मतलब ए का पोटेंशियल है 12 वोल्ट, साफ समझ में आ गया, बी ए है 12 वोल्ट बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वी है 12 वोल्ट क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और वी डी है 0 वोल्ट, वी डी है 0 वोल्ट क्योंकि वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है उसका पोटेंशियल इसके बराबर है और जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है इसका इसके बराबर है। अब भाई वी ए भी होता है 3 वोल्ट, तो वी ए माइनस वी डी है 3 वोल्ट, वी ए है 12 ये पोटेंशियल है। ये सारे हमने मार्क कर दिए, 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल ड्रॉप भी मार्क कर दिया या पोटेंशियल डिफरेंस भी मार्क कर दिया और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल्स भी मार्क कर दिया। तो इतनी जानकारी वैसे पर्याप्त होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये पोटेंशियल ड्रॉप में और पोटेंशियल में क्या फर्क। बहुत ज्यादा डीप सर्किट्स के क्वेश्चंस पेपर्स में नहीं आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख दीजिए, एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड सीरीज, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, एन एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड सीरीज, नंबर वन कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एन आर, अगर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर। और इसी तरह अगर वी ईच पूछता है, करंट पे वोल्टेज पूछता है तो वी बाय एन गिरेगा। बराबर बराबर टुकड़े होंगे फिर तो, अगर सारे आइडेंटिकल हैं तो, वरना बड़े वाले पे ज्यादा गिरता है, अब सब बराबर है तो क्या बड़ा क्या छोटा, सब पे वी बाय एन गिर जाएगा। अगर ये 9 वोल्ट की बैटरी है तो 3 यहां गिरेगा। सब आइडेंटिकल हो तो वोल्टेज का बंटवारा भी आइडेंटिकली हो जाता है। और इसके बाद फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पैरेलल मतलब various the several independent paths, parallel मतलब several independent path, आपको A से B जाना है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता
ये है, चालू हर बार आप ए पे हो रहे हो और पहुंच हर बार आप बी पे हो रहे हो, तो ए से बी जाने के ये सेवरल इंडिपेंडेंट रास्ते, सेवरल इंडिपेंडेंट रास्ते, ये सारे रास्ते पैरेलल हैं। और ये पॉइंट ए भी फिलहाल एक नोड है, पॉइंट बी भी एक नोड है। पैरेलल में जैसे आप हेडिंग दे दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये डायग्राम हम बना देते हैं। रेजिस्टेंस आर वन है, ये रेजिस्टेंस आर टू है, और चलिए बस ये बी वोल्ट की बैटरी है, ये बी वोल्ट की बैटरी है, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज वी के बराबर रहता है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज वी के बराबर है। ये यहाँ से जो एनर्जी चलेगी वो इसके लिए अलग सब इसको सप्लाई करती है और इसको भी पैरेलल में, तो बस नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का कि वोल्टेज सेम, पूरा बोले तो वोल्टेज अक्रॉस ईच पैरेलल ब्रांच सेम, वोल्टेज अक्रॉस ईच पैरेलल ब्रांच सेम। एक्चुअली अकेला आर वन नहीं है, इस ब्रांच में तीन चार या पांच रेजिस्टर्स थे, ये उन सबका रिजल्टेंट है, पूरी ब्रांच का रिजल्टेंट आर वन। ऐसे ही अकेला आर टू नहीं है, इस पूरी ब्रांच में तीन चार पांच छह जो रेजिस्टेंस थे ये उन सबका रिजल्टेंट है, ये पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस आर टू है। तो एक्चुअली तो ये ब्रांच और ये ब्रांच पूरी बैटरी के फिलहाल पैरेलल में है, और इसके अक्रॉस इस ब्रांच के अक्रॉस भी वोल्टेज वी के बराबर है, और इस ब्रांच के अक्रॉस भी सेपरेटली वोल्टेज वी के बराबर है। हालांकि बैटरी अब ये भी है और ये भी है, तो ये मत कहना बैटरी टू वी की एनर्जी जो है उतनी इस सर्किट में इस लूप में पूरी इसको भी मिल रही है और इस लूप में पूरी इसको भी मिल रही है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता, यहाँ से I चलता है, यहाँ आई वन चला जाता है, यहाँ आई टू चला जाता है। तो सेकेंड चीज ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट टेक्स प्लेस, वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में और करंट का बंटवारा होता है, वोल्टेज सेम रहता है और करंट का बंटवारा होता है। और अब हम हेडिंग सीधे ये दे सकते हैं, चलिए पहले आर इक्विवेलेंट लिख दीजिए, आर इक्विवेलेंट लिख देते हैं। ये दो जो मिलकर करंट ड्रॉ कर रहे हैं, अगर सेम बैटरी से सेम करंट कोई अकेला ड्रॉ करे तो उसके रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट कहेंगे। बेसिकली इस नोड पे आई हो रहा है आई वन प्लस आई टू, आई वन को मैं लिख सकता हूँ जिसका आई उसका वी बाय उसका आर, आई वन को लिख सकता हूँ वी बाय आर वन, आई टू को लिख सकता हूँ वी बाय आर टू, और आई को लिख सकता हूँ वी बाय आर इक्विवेलेंट। ये सारे कैंसिल कर दीजिए तो वन बाय आर इक्विवेलेंट वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, करंट का बंटवारा होता है, जिसका बंटवारा होता है वहां से इक्वेशन पकड़ सकते हैं। वोल्टेज सेम है वो तो कोई इक्वेशन ही नहीं हुई, करंट को लेके फिर भी एक इक्वेशन बनाई जा सकती है, और फाइनल फैसला आपके सामने है कि आर इक्विवेलेंट इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स प्लस आर इनवर्स या आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। इसका मतलब पैरेलल में आर इक्विवेलेंट आर वन से भी कम है और आर टू से भी कम। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है। अपने आप में इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब आप कैपेसिटर भी पढ़ते हैं और रेजिस्टर भी पढ़ते हैं तो रिजल्ट्स मिक्सअप होते हैं। रेजिस्टेंस में और कैपेसिटेंस में रिजल्ट्स मिक्सअप हो जाते हैं। अगर सीरीज में मैंने आपसे कहा था कई लोग आके आपको समझा रहे हैं बारी बारी से, कोई चाचा आया, ताऊ आया, दादा आया, नाना आया, सब आके समझा, भाई पढ़ ले भाई पढ़ ले भाई पढ़ ले भाई, तो कोपड़ा बनना जाता है, मुंडा समझ जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और प्यार नाल पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ जाती है, सब रिलेटेड है। प्यार नाल बात करेगा, पैरेलल बात करेगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और सीरीज में जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर सीरीज में लोग जुड़े आके आपसे बात कर रहे हैं वही बार बार, तो रेजिस्टेंस आपका पढ़ाई के प्रति बढ़ जाएगा और कैपेसिटी कम हो जाएगी। और पैरेलल में अगर आके आपसे बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, प्यार नाल, तो फिर आपका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी,
आपको लग तो रहा है कि आवश्यकता नहीं है, पर इसकी आवश्यकता है। कभी कभी ये जल्दबाजी में फॉर्मले गलत यूज हो जाते हैं। खैर पहले हम ये लिख लेते हैं, फॉर्मुला ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल, फॉर्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल। यार फिर वही बात है, बीस किलो आई आर और पैरेलल में भी सेम है, पैरेलल में भी सेम है तो आई आर सेम है, तो बस आई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। More current flows through the path of smaller resistance. जिस रास्ते में resistance कम है वो उसी रास्ते में ज्यादा पसंद करेंगे। जिस रास्ते में resistance कम है, हमें पता है कि यहाँ resistance कम है, obviously वही हम पसंद करेंगे। इसका favorite dialogue अगर इसको मैं चाहूंगा तो कि आप साफ साफ दे दें, और ये भी बोल दीजिए बात तो ले ज्यादा सही है, पर फिर भी आप बचपन से घूमते आए। लीस्ट रेजिस्टेंस का जो रास्ता है वही तो अख्तियार करते हैं पूरे जीवन भर। लीस्ट रेजिस्टेंस, जहां रेजिस्टेंस कम मिल रहा है उसको आप पटा लेते हो, आप ज्यादा अपोज कर रहे हो तो आप फादर से बनाते ही हो, हैप्पी फादर से। Current refers to flow through the path of least resistance. बस तो यार अगर current का बंटवारा resistance के inverse proportion में हो रहा है, तो फिर मुझे पता तो है कि I बंदर I two is equal to R two by R one, और मुझे ये भी पता I one is equal to I one plus I two। आप जैसे आप I two को eliminate कर दीजिए, I two को eliminate कर दीजिए, तो I one का formula आ जाएगा R two sorry R two upon R one plus R two into total I. Current I अगर दो parallel branches में आ रहा है तो I1 का फैसला R2 के हिसाब से होगा। आप चाहें तो ये बोल सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपको छोटा करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस भी छोटा वाला लीजिएगा, अपने आप सही आ जाएगा। फिर आप कैपेसिटर में और रेजिस्टेंस में कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अगर ये आपकी थियोरी आपको स्ट्रांगली बता देती है कि आंसर छोटा लाना है कि बड़ा लाना है, तो छोटा लाना है तो ये वाली चीज छोटी हो जाएगी, बाकी तो सब कॉमन ही है, और अगर बड़ा लाना है तो ये चीज बड़ा वाली वैल्यू हो जाएगी और बाकी तो सब कॉमन ही है। अब आप सारी परेशानी से बच तो सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। ये अगर आप डिसाइड कर पाते हैं कि आंसर छोटा लाना है कि बड़ा लाना है, फिर सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। छोटा लाना है तो छोटा अपॉन टोटल, और बड़ा लाना है तो बड़ा अपॉन टोटल। बस फॉर्मूले आप रटेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी भाई। सीरीज में करंट इक्वल टू सेम वोल्टेज का बंटवारा होता है, मतलब सीरीज में अगर V1 is equal to C2 upon C1 plus C2 into V, या V1 is equal to R1 upon R1 plus R2 into V, सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा होता है, करंट सेम रहता है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और करंट का बंटवारा होता है, तो I1 is equal to R1 upon R1 plus R2 into I। पैरेलल में करंट का बंटवारा होता है। कैपेसिटर्स की बात करें तो ये चलता है, और रेजिस्टर्स की बात करें तो R उल्टा चलता है, और अगर कैपेसिटर्स की बात करें तो कैपेसिटर्स की बात करें तो Q की बात होती है, फिर Q1 is equal to C1 upon C1 plus C2 into Q। ये सारे हमारी संदेह, और इनमें हम लोग गलती करते हैं, इनमें हम मिक्सअप कर देते हैं। अलग से इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती रेजिस्टर्स में, अलग से कैपेसिटर्स में नहीं आती, पर अब चूंकि आप दोनों पढ़ चुके हैं अब आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी कि कहाँ ये टू है और कहाँ ये वन। अगर आप ये ध्यान रख सकते हैं कि भाई मेरे को आंसर छोटा लाना है तो बस छोटा अपॉन टोटल, अपसाइड ये हो जाए ये हो, और इसी तरह करंट
करंट के बारे में भी यही बात लागू हो जाएगी। चार्ज कैपेसिटर में चार्ज का बंटवारा कैपेसिटर की डायरेक्ट रेशियो में होता है और रेजिस्टर्स में करंट का बंटवारा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है। सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा कैपेसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है और रेजिस्टेंस में सब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको हर बार इसी से बोलना है कि भाई बीच में आई आ, और अगर सीरीज है तो आई से, हाँ यहाँ इसकी बात लीजिए, यहाँ इसको यहाँ इसका सहारा लीजिए और यहाँ पर इसका सहारा लीजिए कि बीस है तो बीस को आई आर, या तो आई आर इसको तो सेम बोलिए या क्यू इसको तो सी भी, और सीरीज में बीस है तो क्यू प्रोपोर्शनल टू सी बोलिए, या तो इन बेसिक से करिए। सवाल करेंगे और जब फंसेंगे तभी आप सीखेंगे, अभी पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। और बस हम सीधे लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, नहीं मैंने रेजिस्टर्स की बात कर रहा हूं, एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो बैटरी और वोल्टेज भी, एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और बहुत सारे और हैं, ये टोटल एन रेजिस्टर्स हैं और कनेक्टेड पैरेलल टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी। तो नंबर वन कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट तो आर में एन आ जाएगा। नंबर टू वोल्टेज नीच, ये तो वोल्टेज के बराबर ही रहेगा, और नंबर टू अगर टोटल करंट आई है, टोटल करंट आई है तो आई ईच इज इक्वल टू आई बाय एन, ये है फॉर्मूला, ये है सर। बस ये सब आप अच्छे से ध्यान रखिए। एक जरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, हेडिंग दे दीजिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ये न्यूमेरिकल का ऐसे आपको मिल सकते हैं, ये आर वन है, ये आर टू है और ये आर है और ये बैटरी। इस आर को डायग्राम में यहां भी जोड़ा जा सकता पर मैंने जानबूझ के इस आर को यहां जोड़ दिया और बल्कि स्मॉल आर का नाम दे दिया, ये थोड़े कठिन सवाल हो जाएंगे। अब ये दोनों पैरेलल में हैं भाई, यदि इसका नाम चलो तो इसका नाम अगर ए है ना तो इसका नाम बी है, और अगर इसका बी है तो इसका भी बी है, फिर इसका सी है और इसका बी सी, तो सबको नाम दे दीजिए। अब R1 R2 सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में एक वायर कहीं जा रहा है, नोड है। इसी तरह ये दोनों यहाँ पे भी सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में एक नोड है, पर हाँ दोनों B पे शुरू हो रहे हैं, R1 R2 पैरेलल में है क्योंकि दोनों B पे शुरू हो रहे हैं और दोनों C पे खत्म हो रहे हैं, ऐसा लिख दीजिए यार। R1 और R2 आर इन पैरेलल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लें, चार स्टार दे दें इसके बाद की जो लाइन में कहूंगा। R1 and R2 are in parallel because, अब important बात शुरू हो रही है, because starting point या starting node and ending node of both is same, अगर 10 resistor हो और 10 के 10 B पे शुरू होते हो और C पे खत्म होते हो तो ये 10 के 10 आपस में parallel में, अगर सब बी पे शुरू हो रहे हो और सब सी पे खत्म हो रहे हो तो बस ये बी और सी के बीच में पैरेलल रास्ते हैं। तो यहाँ पे फैसला ये हो गया, ऐसा लिख दीजिए as soon as we see two resistors in series, two or three or four resistors, some resistors in series, जैसे ही हमें कुछ रेजिस्टर सीरीज में दिखें, we should draw a new diagram. We should draw a new diagram replacing these resistors by the resultant. सबसे पहले आपको ये काम पैरेलल वाले को अटैक करना चाहिए,
जैसे ही आपको कुछ रेजिस्टर्स पैरेलल में दिखते हैं, आप सबसे पहले उनको उनके रिजल्टेंट से रिप्लेस कर दो। जैसे ही आपको कुछ कैपेसिटर्स रेजिस्टर्स कैपेसिटर जो भी है पैरेलल में दिखते हैं, नया डायग्राम बनाइए जो हो गया R1 R2 R1 R2 और ये हो गया ऐसा नया डायग्राम बना। अब हमारा यही कहना है कि भाई आपको ये सिंपल सीरीज सर्किट है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, नया डायग्राम जो है हम पहचानते हैं। आपका सबसे पहले काम यही होना चाहिए कि जैसे ही आपको मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये दो पैरेलल में है और इनका रिजल्टेंट इसके सीरीज में, ये दो पैरेलल में है और इनका रिजल्टेंट इसके सीरीज में है क्योंकि अब सर्किट में एक ही रास्ता है। इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो वो आर प्लस R1 R2 अब तो खैर सब किया जा सकता है। अब अगर मेरे को बैटरी से चलने वाला करंट चाहिए, बैटरी से चलने वाला करंट चाहिए तो V बैटरी अपॉन R इक्विवेलेंट। मैं स्टेप नंबर वन में इन दोनों को पैरेलल में लूंगा, इनके रिजल्टेंट को इसके सीरीज में लूंगा, R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, बैटरी से चलने वाला करंट निकालूंगा, फिर मैं चाहूंगा तो IR इसका निकालूंगा, इसके IR से यहाँ का ड्रॉप मिल जाएगा और यहाँ का ड्रॉप निकालने के बाद VBC मिल जाएगा। भाई जो अगर आपको VC पर वोल्टेज चाहिए ना तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो VC पे वोल्टेज चाहिए ना, मान लीजिए ये V है, V माइनस IR, इस वोल्टेज में से ये निकालने का यहाँ कितना ड्रॉप हो गया, बैटरी के वोल्टेज में से निकालने का यहाँ कितना ड्रॉप हो गया, और अब जो बच गया वो इसका भी वोल्टेज है, वो इसका भी वोल्टेज है, बात खत्म। बड़े बड़े सवाल भी अब आपसे हो जाएंगे। तो फिर एक बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले अब R इक्विवेलेंट निकालना, इन दोनों को इनके पैरेलल से रिप्लेस करना, फिर इनका रिजल्टेंट इसके सीरीज में जोड़ना, पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालना। नंबर टू, बैटरी से चलने वाला करंट निकालना। नंबर थ्री, यहाँ का ड्रॉप निकालना। अब ये वोल्टेज माइनस यहाँ का ड्रॉप इज इक्वल टू यहाँ का भी वोल्टेज हो गया और यहाँ का भी वोल्टेज हो गया। मान लीजिए मुझे R1 का करंट निकालना है, IR1 निकालना है तो VBC अपॉन R1, और अगर मुझे IR2 निकालना है तो VBC अपॉन R2। अब मेरे को जिसका I चाहिए उसका V पर उसका R कर दो। बड़ी प्यारी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि थोड़ी एडवांस्ड एप्लीकेशंस में ये गिने जाते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने इनके रेजिस्टेंस इन दोनों का पैरेलल निकाला और इनके रिजल्टेंट को इसके सीरीज में जोड़ दिया तो पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट आ गया, और बैटरी से चलने वाला करंट निकाला, फिर इस पर ड्रॉप निकाला IR, और V माइनस यहाँ का ड्रॉप इज इक्वल टू बचा हुआ वोल्टेज, वो वोल्टेज इसका भी है और इसका भी है, पैरेलल में तो वोल्टेज सारे सेम रहते हैं। अब अगर मुझे इसका करंट चाहिए तो इसका भी बाई R, और अगर इसका करंट चाहिए तो इसका भी बाई इसका। खैर इसके तरीके और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे जैसे आप सवालों की संख्या बढ़ाते जाएंगे आपके तरीके खुद ब खुद और सुंदर होते चले जाएंगे। एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।